दोस्तों आज हम लोग MP ADPU का MP जनरल नॉलेज की टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 4 देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश के क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद जो टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 5 से शुरू हुआ उसमें हम लोग करंट अफेयर्स के भी देखेंगे और जो और भी सिलेबस में है वो भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतक बैजू बावरा की समाधि स्थल कहाँ पर है? तो काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है MPPSC से रिलेटेड एग्जाम में, और MPADPU भी MPPSC करवाता है, इसलिए यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रसिद्ध संगीतक बैजू बावरा की समाधि स्थल कहाँ पर है। तो बैजू बावरा की समाधि है जो स्थल यह चंदेरी में है, और एक क्वेश्चन यह बनता है कि चंदेरी किस जिले में आता है? तो चंदेरी आता है अशोकनगर जिले में। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कौन सी जगह को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सतपुड़ा की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सतपुड़ा की रानी के नाम से पचमणी को जाना जाता है, और पचमणी एक हिल स्टेशन है, और पचमणी तवा नदी के किनारे अवस्थित है। पचमणी में मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो मध्य प्रदेश में कौन सी जगह को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है? तो पचमणी। पहला क्वेश्चन था, संगीतक बैजू बावरा की समाधि कहाँ पर है? चंदेरी में है। तो चंदेरी की एक बात और मैं बताना भूल गया था कि चंदेरी की जो साड़ी है वो काफ़ी फेमस है। एक क्वेश्चन यह बनता है कि मध्य प्रदेश में कहाँ की साड़ी फेमस है? चंदेरी की है। चंदेरी में एक युद्ध भी लड़ा गया था मेदिनी राय और बाबर के बीच, राइट। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो मध्य प्रदेश के पहली महिला जो मुख्यमंत्री थी वो उमा भारती थी, और पहली महिला राज्यपाल थी सरला ग्रेवाल। श्रीमती सरला ग्रेवाल हैं जो, वो मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? मतलब कौन से मानसून से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? आपसे पूछ सकते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून या दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। उससे पहले आपको बता दूँ, मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, मतलब यह चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। मतलब मध्य प्रदेश के चौतरफा कहीं भी समुद्र से मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ नहीं है, और मध्य प्रदेश 5 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी में सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो त्रिपुरी मध्य प्रदेश में आता है, इसलिए यह क्वेश्चन पूछा जाता है। हिस्ट्री में भी यह क्वेश्चन कई बार आया है कि त्रिपुरी में सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो MP में त्रिपुरी में सम्मेलन इंडियन नेशनल कांग्रेस का आयोजित किया गया था 1939 में, और यह इंडियन लेवल इंडिया के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। कारण यह है कि इसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था, और भी यह विशेषता है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो पट्टाभी सीतारामैया थे उनको इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष में हरा दिया था, और उन्हें जबकि महात्मा गांधी ने समर्थन किया था पट्टाभी सीतारामैया को, और यह राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे इसमें जो सुभाष चंद्र बोस बने थे। और इस बार सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस भी मनाया जा रहा है, और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। तो यह क्वेश्चन SSC लेवल एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? MP हाईकोर्ट आपको पता है कि यह जबलपुर में है, इसकी दो खंडपीठ हैं ग्वालियर में और एक इंदौर में है। तो इसके अभी जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो जस्टिस मोहम्मद रफीक हैं। तो ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद रफीक इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है, ओरछा दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? आपसे आ सकता है पेपर में ओरछा किले का निर्माण किसने करवाया, या ओरछा दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है, और ओरछा मध्य प्रदेश में आता है, और ओरछा को अभी शायद वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह मिलने की बात चल रही है, तो यह क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ओरछा दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो राजा रुद्रदेव प्रताप सिंह ने करवाया था। तो राजा रुद्र प्रताप सिंह ने इसको निर्माण इसका करवाया था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है वो इटारसी में है। जी हाँ दोस्तों, इटारसी में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता है होलकर वंश की राजधानी इंदौर थी, यह क्वेश्चन बनता है। इंदौर को इंडिया की नंबर वन स्मार्ट सिटी सफाई के मामले में घोषित किया है, और इंदौर चौथी बार देश में सबसे स्वच्छ शहर बना है, और इंदौर में देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय भी है, और इंदौर को मिनी मुंबई भी कहा जाता है, और इसके अलावा इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, और मध्य प्रदेश वित्त निगम का हेडक्वार्टर भी इंदौर में है। तो मल्हारराव होलकर ने होलकर वंश की स्थापना की थी, और वो उनकी राजधानी इंदौर थी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक औसत वर्षा कहाँ पर होती है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक औसत वर्षा होती है वो पचमणी में होती है, और पचमणी तवा नदी के किनारे स्थित है, मध्य प्रदेश का एक हिल स्टेशन है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो मतलब पूरे मध्य प्रदेश का जो एवरेज है वर्षा का उसे औसत वार्षिक वर्षा कहते हैं, तो वो है 112 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, यह आपको याद करना होगा कि मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो यह 112 सेंटीमीटर है।
नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है और देश में काफ़ी प्रसिद्ध है? तो मिट्टी के जो इरोजन, सोयल इरोजन कहते हैं इंग्लिश में, तो सोयल इरोजन से मुरैना सबसे ज़्यादा प्रभावित है, वह मध्य प्रदेश ही नहीं देश में भी काफ़ी विख्यात है। तो यह क्वेश्चन बनता है। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आगे की वीडियो आएँ और पिछली वीडियो भी आपके पास आएँ। अगर आप MPA DPO की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है, किस नदी के अन्य नाम रेवा, मेकालसुता, सोगो देवी एवं नामोदास भी हैं? यह क्वेश्चन कई बार आया है कि रेवा किस नदी का नाम है, या मेकालसुता किस नदी का नाम है, या सोगो देवी किस नदी का नाम है, या नामोदास किस नदी का नाम है। तो रेवा, मेकालसुता, सोगो देवी और नामोदास, ये चारों नाम हैं और इस नर्मदा नदी के नाम हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और यह भारत की 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है। तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। यह क्वेश्चन बनता है, और कौन सी नदी है जो पश्चिम से, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर जाती है और डेल्टा नहीं बनाती है? यह क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यह है, इसका आंसर नर्मदा रहेगा। MP Civil Judge में यह क्वेश्चन आया था कि नर्मदा नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है, तो नर्मदा नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। यह क्वेश्चन भी बनता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश से निकलने वाली नर्मदा नदी भारत की कौन सी सबसे बड़ी नदी है? तो जो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। भारत की पूछा है तो भारत की 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में किस नदी को धर्मावती या चरमावती के नाम से भी जाना जाता था? तो धर्मावती या चरमावती के नाम से चंबल नदी को जाना जाता था, और चंबल यमुना नदी की सहायक नदी है, मतलब चंबल यमुना में मिल जाती है, और चंबल मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। चंबल नदी और रेवांश के लिए भी काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट है, सिंध, पार्वती व काली सिंध किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? ज़्यादातर सहायक नदी पूछी जाती है नर्मदा नदी की, चंबल नदी की और बेतवा नदी की। इनकी सहायक नदी आपको याद रखना है, इसके अलावा सोन नदी की भी सहायक नदी आपको याद रखना है, अगर आप ADPO एग्जाम देने जाने वाले हैं। तो सिंध, पार्वती और काली सिंध एक ही नदी की सहायक नदी है, और वो है चंबल नदी, जो कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। चंबल नदी यमुना में मिल जाती है, चंबल नदी में ये नदी मिल जाती है, सिंध चंबल में मिलती है, पार्वती चंबल में मिलती है, काली सिंध चंबल में मिलती है, चंबल यमुना में मिलती है, यमुना गंगा में मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। नेक्स्ट है, किस नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है तथा अवसान उत्तर प्रदेश की हमीरपुर के निकट यमुना नदी से होता है? इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं MPA DPO एग्जाम में, कि किस नदी का उद्गम है जो रायसेन जिले से होता है और उसका अवसान उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में हो जाता है, वह यमुना नदी में जाता है। तो यमुना नदी में कौन सी नदी जाती है, इससे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि GK के क्वेश्चन अगर आप ADPO एग्जाम दे रहे हैं तो आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना होगा। खास करके आप GK के क्वेश्चन जब अटैम्प्ट कर रहे हूं, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं। तो यह नदी है बेतवा नदी। बेतवा नदी रायसेन जिले से निकलती है और उत्तर प्रदेश में यह यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा चना उत्पादक जिला कौन सा है? भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा चना उत्पादन होता है, और मध्य प्रदेश में भी जो सबसे बड़ा चना उत्पादक जिला है वो है विदिशा, और उदयगिरी की गुफाएं भी शायद विदिशा में हैं। तो यह क्वेश्चन भी एक बन जाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो पचमणी बायोस्फीयर रिजर्व है। पचमणी तवा नदी के किनारे अवस्थित है। पचमणी एक हिल स्टेशन है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा पचमणी में ही होती है। नेक्स्ट है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी फेमस है, इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में है और यहाँ पर सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, और यह भारत में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में भी फेमस है। तो आप अगर मध्य प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इतना आपको जानकर जाना जरूरी है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है व किस जिले में है? मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, जिसे इंग्लिश में नेशनल पार्क कहते हैं, सो द फर्स्ट नेशनल पार्क इज कान्हा केसरी नेशनल पार्क एंड इट इज सिचुएटेड इन मंडला डिस्ट्रिक्ट। मंडला जिला है जो गोंडवंश की शायद राजधानी थी, और यह मंडला में है कान्हा केसरी। कान्हा केसरी पहला राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है और यह शायद 1955 में इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? यह क्वेश्चन MP ही नहीं बल्कि इंडिया लेवल एग्जाम होते हैं जो अदर स्टेट में ही पूछा जाता है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, और यह भोपाल में है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भोपाल कितनी पहाड़ियों पर अवस्थित है। यह क्वेश्चन बनता है कि कितने पहाड़ियों पर भोपाल अवस्थित है, आपको इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा वन किस जिले में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में लगभग एक तिहाई मतलब क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन यह भी बनता है कि मध्य प्रदेश में लगभग
कितने क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो लगभग एक तिहाई में पाए जाते हैं, मोटा मोटा आप याद रखिए। बाकी मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं बालाघाट जिले में पाए जाते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर और देना है, बालाघाट किस राज्य के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूनू पालपर अभ्यारण किस जिले में है। कूनू पालपर एक अभ्यारण है, यह काफ़ी चर्चा में था अभी, तो इसलिए इससे क्वेश्चन बन सकता है। कूनू पालपर अभ्यारण है श्योपुर में, तो यह श्योपुर में है, श्योपुर जिले में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय आपको पता है इंदौर में है। इंदौर को चौथी बार इसमें मतलब क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला, और इंदौर से क्वेश्चन बनते हैं कि देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय कहाँ है, तो यह भी इंदौर में है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का लखनऊ किस शहर को कहते हैं। तो सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट है, भीमबेटका की खोज किसने की थी। यह क्वेश्चन कई बार आता है कि भीमबेटका की खोज किसने की थी। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भीमबेटका किस जिले में है और किस तहसील में है, तो आप इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो भीमबेटका की खोज की थी विष्णु वाकड़कर ने। जी हाँ दोस्तों, भीमबेटका एमपी में है और विष्णु वाकड़कर ने इसकी खोज की थी। भीमबेटका यूनेस्को हेरिटेज साइट में तो है ही, और यह देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी फेमस है। भीमबेटका काफ़ी फेमस है वर्ल्ड लेवल पर। नेक्स्ट है, भारत के किस अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है। जी हाँ दोस्तों, पूरे इंडिया में सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख एमपी में ही मिलता है, और एमपी में मिलता है एरण में। एरण एक बीना के पास है, और यह सागर जिले में आता है। अगर जिले से क्वेश्चन आए कि भारत में जो सती प्रथा का उल्लेख है कि पहले किस जिले में मिला, तो सागर है, और तहसील है बीना में आता है, और बीना के पास भी आता है। अगर आए किसके पास, तो बीना और एरण में मिला है। वक्त की उल्लेख कहाँ पर मिला, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख एरण में मिला, तो एरण बीना के पास है और सागर जिले में आता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध माता टीला बांध परियोजना किन दो राज्यों के बीच स्थित है, और किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, माता टीला परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन में दे देंगे एमपी यूपी, एमपी छत्तीसगढ़, एमपी महाराष्ट्र या एमपी गुजरात। तो माता टीला परियोजना है, यह है एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है, और माता टीला बांध है जो यह बेतवा नदी पर है। एमपी से बेतवा नदी यूपी में जाती है, और यमुना नदी में मिल जाती है, और यमुना नदी आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस जगह पर स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है, और आपने पढ़ी थी तानसेन की समाधि, वो भी ग्वालियर में ही स्थित है। तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है, ग्वालियर में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी मैहर को कहा जाता है। मैहर काफ़ी फेमस है, और मैहर में माँ शारदा देवी का मंदिर भी काफ़ी फेमस है, तो इसलिए मैहर काफ़ी फेमस है। और मैहर शायद कटनी सीमेंट उद्योगों के लिए भी है, शायद फेमस है। नेक्स्ट है, कुंडलपुर जैन तीर्थ किस जिले में स्थित है। काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कुंडलपुर जैन तीर्थ कहाँ पर स्थित है, तो यह दमोह जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। और निर्वाचन आयोग अभी काफ़ी चर्चा में है, चुनाव वगैरह चल रहे हैं इसलिए चर्चा में है निर्वाचन आयोग। संविधान से भी निर्वाचन आयोग में क्वेश्चन बनते हैं कि निर्वाचन आयोग का प्रोविजन किस आर्टिकल में है, या निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में है, जैसे भाग 15 में है, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं संविधान के भाग 15 में क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो निर्वाचन आयोग का जो स्थापना हुई थी 1994 में हुई थी। उसके अलावा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अभी राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, और देश में जो राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है। नेक्स्ट है, सिंगाजी का मेला मध्य प्रदेश में किस जिले में लगता है। सिंगाजी का मेला काफ़ी फेमस है, खंडवा जिले में लगता है, और खंडवा प्याज के लिए काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट है, नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा था आया है। तो मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश जिसे टाइगर स्टेट कहते हैं, और लीपर्ड स्टेट यानी तेंदुआ भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में चना भी सबसे ज़्यादा होता है, सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है, तो यह सब मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है मध्य प्रदेश से रिलेटेड। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था। तानसेन की समाधि ग्वालियर में थी। तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडेय। तानसेन के गुरु पूछ लिए जाते हैं तो शायद हरिदास थे, और तानसेन शायद रीवा के राजा के यहाँ पर शायद से वो रिलेटेड थे। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र दक्षिणमुखी शिवलिंग कहाँ पर स्थित है। तो यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है नेशनल लेवल एग्जाम में, एसएससी में पूछा गया था एक बार कि भारत का एकमात्र दक्षिणमुखी शिवलिंग कहाँ पर स्थित है। तो यह उज्जैन में है, जो महाकालेश्वर हैं वो दक्षिणमुखी शिवलिंग हैं, और यह भारत के एकमात्र दक्षिणमुखी शिवलिंग हैं, उज्जैन में स्थित हैं। उज्जैन में सिंहस्थ लगता है, उज्जैन छिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है, इसलिए उज्जैन काफ़ी फेमस है। छिप्रा नदी है जो चंबल की सहायक नदी है, और खान नदी छिप्रा की सहायक नदी है, मतलब खान नदी जो इंदौर से निकलती है वो छिप्रा में मिल जाती है, छिप्रा चंबल में मिल जाती है, चंबल यमुना में मिल जाती है, यमुना गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है, बूढ़ा देव किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं। तो बूढ़ा देव काफ़ी फेमस हैं, बूढ़ा देव काफ़ी प्रमुख देवता हैं, और यह गौड़ जनजाति के प्रमुख देवता हैं। नेक्स्ट है, खरबूजा महल कहाँ पर स्थित है। खरबूजा महल काफ़ी फेमस है, और यह धार जिले में स्थित है।
नेक्स्ट है बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं, तो बाघ की गुफाएं धार जिले में स्थित हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।